गुरु 2024 धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए क्या कहानी निर्मित करेगी उसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी धनु लग्न है या आपकी धनु राशि है तो आने वाले वर्ष 2024 से लगा करके 2025 तक, यानी कि 1 मई 2024 से लगा करके लगभग 13 मई 2025 तक गुरु देवता बृहस्पति आपको किस किस प्रकार के शुभ फल देने वाले हैं और किन किन विषयों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके लिए भी कुछ शुभ फल मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जबरदस्त तरीके से अशुभ फल भी मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर धनु लग्न है तो जो मैं वीडियो में उपाय बताऊंगा, या आपकी धनु राशि है तो वो उपाय आप जरूर करिएगा, इससे निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। यह राशि फल लग्न और राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि लग्न राशि क्या है तो अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझो। अब मुख्य लग्न होता है, लग्न होगा तभी आपकी आपका मन होगा, तो उपाय लग्न के अनुसार अगर किए जाते हैं तो सटीकता बहुत ज़्यादा मिलती है, किंतु यदि उपाय राशि के अनुसार आप करते हैं तो रिजल्ट फिर भी आपको अच्छा मिलता है, लेकिन फिर रिजल्ट आपको 50% ही अच्छा मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो वीडियो में बताया गया उपाय जरूर करिएगा, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में स्वयं प्रथम भाव के मालिक गुरु देवता होते हैं और साथ ही साथ आपके मन का भी डिपार्टमेंट गुरु के पास होता है, यानी कि मन और मस्तिष्क दोनों पर गुरु का कमांड होता है। वैसे तो लग्न है तो कहने का मतलब पूरा शरीर ही गुरु के अंतर्गत आता है, लेकिन शरीर के साथ साथ मन का पर भी गुरु का प्रभाव है, क्योंकि मुख्य आपके मन के मालिक ये हो जाते हैं। ऐसे गुरु देवता का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। जब छठे भाव में होगा, लग्नेश होकर के छठे भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो जाहिर सी बात है भैया कुछ मामलों में तो ये गड़बड़ जरूर करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में ही गड़बड़ करेंगे, सब गड़बड़ कर दें ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले शुभ फलों के विषय में आप जानिए, तो आपको पहला शुभ प्रभाव तो ये मिलेगा अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, खास करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो मान के चलो आने वाले समय में मई 2024 से लगा करके मई 2025 तक का सरकारी नौकरी मिल जाने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इनका पंचम प्रभाव या पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ेगी। उस भाव में पहले से ही केतु बैठ करके उस भाव की वृद्धि कर रहे हैं, गुरु का सपोर्ट पाएंगे तो दशम भाव आपका और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और दशम भाव होता है सरकार का। अगर सरकार से जुड़ करके किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हो, पहले से सरकारी नौकरी में हो, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो मान के चलो सरकारी नौकरी मिल जाने के प्रबल योग यहाँ पर गुरु की कृपा से बन जाएंगे। अगर बाई बर्थ कुंडली स्ट्रांग है, सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे मिल जाएगी, लेकिन अगर कुंडली स्ट्रांग नहीं है तो भी नौकरी तो आपको 100% मिल ही जाना है, ये मान के आप चलो। इसके अलावा गुरु देवता का सीधे प्रभाव पड़ रहा है सातवीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पे, और 12वां भाव होता है विदेश का, हमारे बिस्तर सुख का, यानी कि आनंद से वर्ष आपका कटने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिस्तर सुख का भाव मजबूत हो रहा है, और साथ ही साथ यदि आप देश विदेश जाना चाहते हो तो यात्राओं के लिए भी बड़ा सुंदर समय रहने वाला है। अगर यात्रा आप करोगे तो यात्राओं में पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा गुरु की जो नवई दृष्टि है वो पड़ने जा रही है आपके धन भाव पे, धन आपके पास जबरदस्त तरीके से आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि नवई दृष्टि गुरु की होती है प्रारब्ध की दृष्टि, और गुरु की नवई दृष्टि जिस भाव पे पड़ जाए उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि होती है, लेकिन चूंकि नीच भाव पे पड़ रही है तो भैया जवान संभाल करके अपनी बातचीत करना, खास करके परिवार वालों से, अपनों से, अपने घर वालों से। पैसा आएगा
लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से मनमुटाव होना, मतभेद हो जाना, इस प्रकार के योग बन रहे हैं। पैसा इसलिए भी आएगा क्योंकि धनेश शनि अपने स्थान से द्वितीय हैं। धन भाव आपका मजबूत है, लेकिन गुरु की नीच की दृष्टि का दुष्प्रभाव ये आपको जरूर देखने को मिल सकता है कि अपनों से, परिवार से आपके वाणी के चलते हुए कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला फल बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, तो ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पतिये नमः भी आप लिख दीजिएगा। गुरु देवता छठे भाव में बैठे हैं, ये यहाँ पर एक माइनस पॉइंट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खास करके अगर आपकी धनु लग्न है तो। लग्नेश का छठे भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं शत्रुओं की वृद्धि करेगा। आपके शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर जब ये बैठेंगे तो शत्रुओं की वृद्धि तो होना ही है। सावधानी आपको ये रखनी है कि अनावश्यक शत्रुता आप ना पालिएगा, पहली चीज। कर्ज के लेन से देन से कतई दूर रहिएगा, न तो कर्जा लीजिएगा जब तक गुरु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, और ना तो अपना पैसा किसी को उधार व्यवहार में दीजिएगा। व्यवहार बहुत ज़्यादा मत पालना, वरना आप दिक्कत में आ सकते हो। पैसा अगर दोगे तो डूबने के चांसेस रहेंगे, लोगे तो चुकाने में दिक्कत होगी। लग्नेश छठे में है तो भैया अंतिम दुष्प्रभाव आपके ऊपर ये पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा कि ये शत्रु राशि में है। हालांकि ये वर्ष पर्यंत सूर्य के नक्षत्र कृतिका में, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में, और मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है इसी में गोचर करेंगे। नक्षत्रों वाइज तो ये अपने मित्र के नक्षत्रों में है, लेकिन चूंकि शत्रु राशि में है और छठे भाव में है, तो स्वास्थ्य आपका नरम ना हो इसके लिए थोड़ा समय समय पे आप गुरु देवता को पावर देते रहिएगा। हालांकि प्लस पॉइंट ये जरूर बना हुआ है कि गुरु देव कहीं पर भी पीड़ित अवस्था में नहीं है। जब ये आपके पांचवें भाव में थे तब शनि के द्वारा पीड़ित थे, फिर राहु भी इनको पीड़ित कर रहे थे। गुरु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पाप प्रभाव नहीं है, जिसके फलस्वरूप कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, बाई बर्थ आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में है, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः 108 बार इस मंत्र का आप रेगुलरिटी से जप करें तो आपको फायदा मिलेगा। अगर दशा नहीं चल रही है तो सिंपल सा उपाय आपको एक करना है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दीपक संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहा हो तो एक घंटे के अंतराल में आप जला दीजिएगा, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल पैसे के विषय में, नौकरी के विषय में महाभाग्यशाली आप रहोगे, और यात्राओं के विषय में उपाय करेंगे तो और भी ज्यादा आप लाभ ले सकते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।